हेलो फ्रेंड्स, आई एम पल्लवी एंड वेलकम टू पल्लवीज़ किचन। आज हम बनाएंगे मसाला इडली। बहुत बार ऐसा होता है कि हम इडलीज़ बनाते हैं और वो बच जाती है और फिर हमें समझ नहीं आता कि अब हम उन लेफ़्ट ओवर इडलीज़ का क्या करें। उन्हीं लेफ़्ट ओवर इडलीज़ से आप ये सुपर टेस्टी और फटाफट बनने वाली डिश बना सकते हैं जिसका नाम है मसाला इडली। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मसाला इडली बनाने के लिए हमें चाहिए 10 से 12 लेफ़्ट ओवर इडलीज़। इसके बाद बारीक कटा हुआ एक मीडियम प्याज, एक बारीक कटा हुआ टमाटर, छोटा चम्मच राई के दाने, एक हरी मिर्च बारीक कटी हुई, एक पिंच हींग, 8 से 10 कड़ी पत्ते, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, एक छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वादानुसार और थोड़ा सा कटा हुआ फ्रेश धनिया। अब सबसे पहले हम इन सभी इडलियों को इस तरीके से कट कर लेंगे। आप इसके और छोटे या थोड़े बड़े पीसेस भी कर सकते हैं। तो ये हमने सभी इडलियाँ कट करके तैयार कर ली है। दूसरी तरफ कढ़ाई में हम 2 बड़े चम्मच तेल गरम करने के लिए रख देंगे। तेल गरम हो जाने पे इसमें हम सबसे पहले डालेंगे राई और थोड़ा चलाएंगे। राई हो जाने पे इसमें हम डालेंगे हरी मिर्च और इसे भी थोड़ा सा हम चला लेंगे। और फिर डालेंगे हींग। इसके बाद करी पत्ते, और अब इसमें डालेंगे प्याज। प्याज को अब हम चलाते हुए थोड़ा भूनेंगे जब तक कि प्याज फ्राई ना हो जाए। हमें प्याज पूरा गोल्डन ब्राउन होने तक नहीं पकाना है, बस 2 से 3 मिनट ही हम प्याज को फ्राई करेंगे। और अब इसमें डालेंगे कट किया हुआ टमाटर। टमाटर को भी 2 से 3 मिनट ही चलाएंगे, हमें टमाटर भी ओवरकुक नहीं होने देना है। और बस अब हम इसमें डालेंगे सबसे पहले हल्दी पाउडर, उसके बाद लाल मिर्च का पाउडर। थोड़ा सा इन्हें चलाएंगे ताकि इनका कच्चा स्वाद निकल जाए। इसके बाद डालेंगे हम नमक, और अब इसमें ऐड करेंगे हमारी कट की हुई इडलियां। इनको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि सभी इडलियों पर अच्छी कोटिंग हो जाए इन मसालों की। और थोड़ी देर इन्हें फुल फ्लेम पर हम यूं ही पकाते रहेंगे ताकि इडलीज़ की आउटर कवरिंग जो है वो अच्छी क्रिस्पी हो जाए और अंदर से वो मॉइस्ट और सॉफ्ट रहे। अब आखिर में थोड़ा सा फ्रेश धनिया इस पे डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आप चीज़ लवर हैं या फिर आप बच्चों के लिए ये डिश बना रहे हैं तो सर्व करने से पहले आप इस पे थोड़ा सा ग्रेट किया हुआ चीज़ भी डाल सकते हैं। तो ये बनकर तैयार है हमारी मसाला इडलीज। आप इन्हें ब्रेकफास्ट में या टी टाइम स्नैक के तौर पर भी इंजॉय कर सकते हैं। तो आज की ये रेसिपी आपको कैसे लगी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए और मेरे चैनल को नीचे दिए रेड सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके ज़रूर 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 सब्सक्राइब करें। मैं मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।